वह सब गाइज आ चुके हैं एक और ब्रांड वीडियो के साथ वापस से और फाइनली मेरा जो है एज डोमिनेटर जो है वो अभी अभी टच हो चुका है अब ये वाली जो क्लिप देख रहे हो आप ये अब ये वाली क्लिप जो है वो एज डोमिनेटर की है और मतलब एज डोमिनेटर वाली लॉबी के अंदर ही है तो एक बगी बगी के अंदर ना मतलब एक बंदा जा रहा होता है जिसको मैं भाई इतनी टाइट मारता हूँ मतलब वो हैरान रह गया होगा कि इसने मारा कैसे अब आई थी भाई रश करने की क्योंकि उसको तो मैंने वन एंच कर दिया था नॉक के बाद ठीक है और मुझे जोन में भी जाना था उसी साइड पर तो मैं यहाँ पर इनके ऊपर रश कर देता हूँ देखो उनको कैसे मारेंगे अब पहला वाला बंदा मारा कैसे नहीं मुझे तो ये समझ नहीं आया अब चलो भाई रश कर देते हैं अब मार दे मार ही देते हैं उनको चलो और भाई इनको तो इजीली मार ही दिया तो अभी यहाँ पर आप जस्ट आप देख सकते हो कि यहाँ पर एज डोमिनेटर जो है वो मेरा फाइनली फाइनली हो चुका है तो देख सकते हो आप यहाँ पे यहाँ पे एज डोमिनेटर फाइव टू फाइव एट पॉइंट जो हैं वो मेरे हो चुके हैं ये मैंने टोटली मतलब एज डोमिनेटर जो है वो कब का कर लिया है ठीक है तो मैं वीडियो भी बना रहा हूँ कब का नहीं मतलब थोड़े दिनों पहले ही किया था और वीडियो अभी बना रहा हूँ और उसकी भी क्लिप मैं एंड में आपको दिखाऊंगा एक जब मेरा एज डोमिनेटर जो है वो बिल्कुल टच हुआ था तो रिस्टाफ अभी देखना है यहाँ पर मेरी जो वो एज डोमिनेटर का जो रैंक है वो हो गया अब सोलो डुओ नहीं देखना क्योंकि मैं सोलो ड्यो जो सोलो और डुओ जो है वो वाले जो मैचेज हैं वो मैं नहीं खेलता और यहाँ पे केडी वगैरह भी चेक कर सकते हो तो चलो फटाफट फड़ से अपना गेम प्ले की तरफ चलते हैं जो भाई यहाँ पे रैंक पुश करते करते ना भाई मेरा मतलब देखो भाई रैंक मतलब माइनस होने का भी डर लगा रहता है इसी वजह से मैंने कहा कि यार यूनिक पावर जो है वो स्टार्ट कर लिया है अब किसी मसले की वजह से हमारी जो लैंडिंग है ना वो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाती है लेकिन यहाँ पर जो है वो दो सोलो बंदे आ रखे होते हैं लेकिन हमें भी पता नहीं था कि और भी बंदे आ रखे हैं हमें है? तो खैर यहाँ पर सबसे पहले होता क्या है यहाँ पर हम लोग जो है वो बिल्कुल खाली जगह ढूंढते हैं जहाँ पर हम लोग ईजिली उतर सकें और यहाँ पर जो है वो फटाफट से मैं उतर जाता हूँ अब यहाँ पर वॉल लगा के ट्रिक करके मैं फटाफट फड़ से ऊपर चढ़ता हूं अब बंदा जो था ना वो वेरा उसके आ है। और वेरा उसके जैसी वेयर हाउस के अंदर है बंदा जो वो आता है तो मैं उसको देख लेता हूं और जैसी मैं उसको देखता हूं न... और वही उसके फुटस्टेप जो है वो मुझे ईजिली आ जाते हैं और मैंने इंस्टेंट इसको भाई हेड जू हेड मार दिए और वो इजिली भाई मर गया अब यहां पे अच्छी बात ये हुई इसकी लूट करते करते भाई मुझे फ्लेयर मिल जाती है अब मैं क्या गलती करता हूँ कि फ्लेयर यहाँ पे चला देता हूँ और भाई गाड़ी आ जाती है तो खैर छोड़ो आप सामने की तरफ जो है वो दो बंदे होते हैं बिल्कुल और अब पहले से मुझे पता चल चुका था कि दो बंदे ही रहते हैं अब जैसे आप देखो ये ट्रिक क्या कर रहा होता है अब भाई फजूल सी ट्रिक करोगे तो भाई आपके साथ यही होगा ना अब ये वाइस वोन लगा के जम दबाता है तो ये इस बिल्कुल पागलों की तरह ऊपर से छलांग मारते हुए आ जाता है अब इसका दूसरा टीम जो था वो बिल्कुल कैम करा हुआ था और एक भी फुटस्टेप नहीं दे रहा था और देखो उसका लाल लाल कुछ नज़र आ रहा होता है और उसको भी भाई ईजिली मार दिया अभी इसको लग रहा था कि मैं नहीं नज़र आ रहा हूँ लेकिन ये इजिली स्पॉट हो चुका था और मैंने जो वो उसको ईजिली मार दिया अब भाई थे भाई यहाँ से निकलने की लेकिन मैं पीछे की तरफ थोड़ी सी लूट करने आता हूँ तो सामने की तरफ मुझे जो है वो कंटेनर पे बंदा दिखता है जिसको मैं भाई मतलब मारता हूँ और भाई वो, वो मतलब उसकी बिल्कुल वनिज भी कम हुई होगी और बिल्कुल हल्का सा डैमेज आया था उसको तो मैं यहाँ पर सबके ऊपर रश कर देता हूँ वो भी भाई कैम भी करा हुआ होता है तो देखो उसको कैसे मारेंगे अब यूनिक पावर एक ऐसा मोड है जिसके अंदर भाई रश करके खेलना चाहिए लेकिन ये पता नहीं कौन सी दुनिया से आते हैं ये लोग भाई कैम करके खेल रहे होते हैं अब पता नहीं क्यों कैम कर रहे थे इनका ना रैंक प्लस मतलब प्लस होता है और ना माइनस होता है तो भाई वहाँ से पीछे से गाड़ी उठाने के बाद हम लोग निकल जाते हैं सामने की तरफ और मतलब ब्रिज क्रॉस करते हैं जैसे ही तो हमें यहाँ से साउंड आते हैं कुछ तो हम लोग यहाँ पे गाड़ी रोक देते हैं और सामने की तरफ फाइट भी चल रही थी ओपन में दो तीन बंदे घूम रहे थे जिनको मैं मारता हूँ और एक ने तो भाई पेड़ का कवर ले लिया था और झाड़ी वाड़ी कुछ आ रही थी तो की वजह से मुझे भाई कुछ नजर नहीं आता है और पीछे वाला बंदे ने समझदारी दिखा के भाई वॉल बना ली अब इस वाले बंदे के पास शायद से वॉल नहीं थी या फिर इसके बाद वॉल वाला वो वाल वाल जो फीचर है वो अवेलेबल नहीं था अब यहाँ से राइट साइड से एक बगी आती है सबसे पहले तो मैं सामने वाले बंदे को नॉक करता हूँ अब बगी को देखो कैसे मारूंगा मैं अब एमओ भी देख सकते हो आप मेरे पास कितनी सी है अब इंस्टेंट मैंने भाई रिफ्लेक्स मारे और आइस वॉल जो है वो बना दी ठीक है अब बंदा जो था ना बगी वाला वो तो काफी ज्यादा अच्छा डैमेज हो चुका था अब मुझे चाहिए थी फाइव केमो इसलिए भाई बिना डरे भाई सामने की तरफ से उसके ऊपर रश कर देता हूँ और देखो भाई इसको कैसे मारूंगा मैं जस्ट और यहां पे मैंने पावर लगाई जस्ट आप देखना लेकिन पावर जो है वो अपने मूड में थी वो तो पावर भाई हुई नहीं और भाई मैं मरते मरते बच गया खैर मेरा टीम भी पीछे था अगर मैं मरता तो वो कवर इजिली दे सकता था अब यहाँ पर मैंने अतिहात भाई यहाँ पर कवर लगा दिया ताकि वो जो बगी वाला बंदा है वो मुझे ना मार दे अब जैसे आप देखो सामने की तरफ जो है वो बगी वाला बंदा अभी भी घूम रहा होता है और वहाँ पर जाके बगी जो है वो रोक लेता है और हमारे ऊपर कैम्प करा हुआ होता है जस्ट अब देखना है यहाँ पर उसको कैसे मारूँगा मैं सामने की तरफ बंदा दिखता भी है मुझे ओहो मुझे मारता भी अब उसके बाद मिनी मिनी शायद थी तो देखो उसको कैसे मारेंगे सामने की तरफ वो पीछे भाग रहा होता है अब आई डोंट नो ये पीछे क्यों भाग रहा था अब इसकी मर्जी होगी पता नहीं क्यों भाग रहा था अब भाई इसकी करनी थी लूट क्योंकि इसके पास शायद से अच्छा सा स्कोप कोई था और हम हमें हमें लूट भी चाहिए थी तो हम लोगों ने सोचा चलो यार क्यों ना इसकी लूट की जाए तो यहाँ से सबसे पहले मैंने जो हूँ ना वो बैंडेजेस लगाता हूँ और बैंडेज लगाने के बाद सबसे पहले गई गाड़ी उठाता हूँ और गाड़ी उठा के इसकी लूट करने के लिए चले जाते हैं तो यहाँ पे मेरा टीम जो है वो लूट इसकी कर चुका था तो मुझे कुछ ख़ास इतना अच्छा मिलने वाला नहीं था तो इसीलिए हम लोग वहाँ से निकलते हैं और वहाँ से निकलने के बाद एक बीच रास्ते से बगी उठाते हैं और बगी उठा के निकल जाते हैं स्कूल की साइड और अब देखना है सब मेरी बैड लक कैसी मतलब मतलब कैसी बैठ लग रहती है अब जिस आप देखना मैं आउट कैसे होता हूँ मेरा डिमांड मार्क करता है भाई यहाँ पे बंदे लड़ रहे हैं तो हम लोग भी रश देते हैं उनके ऊपर अब जिस आप मेरी गलती देखना मैंने क्या गलती हो गई मुझसे अब लेफ्ट साइड से भाई फायरिंग होती है तो मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड मोड़ लेता हूँ और मेरा एंगल देखो जिस टाइप कहाँ पे है लेफ्ट साइड पर अब मुझे ये वाला शेक जो है वो सही से नज़र नहीं आया इसी वजह से भाई एक गलती की वजह से हम दोनों मारे जाते हैं और भाई क्या बताऊँ मैं अब ये वाली क्लिप जो है वो जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये है एज डोमिनेटर लॉबी की और यहाँ पर भाई मैं सोलो बचा होता हूँ मतलब मैं आखिरी बचा होता हूँ मेरे चारों के चारों टीम जो हैं वो मर जाते हैं अब यहाँ पे जो है वो एक स्क्वाड जो है वो रश कर देता है जिनमें से एक बंदे को तो मैं नॉक के साथ साथ भाई फिनिश करने वाला होता हूँ लेकिन वो नीचे की साइड चले जाता है अब मेरे पास ना नेट था ना मॉली था इसी वजह से भाई मैं थोड़ा सा ना मतलब यार मैं जब थोड़ी देर रुका हुआ था ना शुरू में तो मैं नेट मॉली मंगवा रहा था लेकिन भाई अब मंगवा नहीं सका और ब्रश कर दिया बंदों ने अब यहाँ पर देखो तीसरा बंदा आता है उसको भी छोटे से छेद से मार दिया लेकिन अब मेरी किस्मत जो है उसको ख़राब जाने वाली है अब इसको एक को तो फिनिश कर दिया लेकिन भाई जस्ट आप देखो अब यहाँ पे मैं वॉल बनाने वाला होता ताकि मुझे थोड़ा सा तो कवर मिल जाए लेकिन भाई यहाँ पे बैड लग रहती है और मैं मर जाता हूँ और यहाँ पे जो है वो एज डोमिनेटर जो है हमारा लग जाता है अब जस्ट आप देखो यहाँ पे एज डोमिनेटर जो है वो हमारा लगा था टोटली कुछ दिनों पहले और उसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा और प्लस किया मैं वापस एज मास्टर भी, भी आ चुका था लेकिन भाई थोड़ा सा प्लस कर लिया था मैंने और मैं एज डोमिनेटर पर वापस से आ गया तो यहाँ पर टीयर रिवॉर्ड भी हमें मिल चुका है पोस्टर एक ठीक है अवेटर मतलब समझ सकते हो और अचीवमेंट अवार्ड पे हमें दो प्रीमियम ग्रेड मिले तो भाई आज की वीडियो इतनी थी होप आप सभी को अच्छी लगी होगी ये वाली वीडियो अगर तो अच्छी लगी लाइक कर देना वीडियो को सब्सक्राइब कर देना चैनल को बेल को कॉल पे कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले